मैंने जितनी भी पोएम्स अब तक लिखी हैं वो सब मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे लिखी हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया उस पर। तो ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, पर ये बुरे वाला एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने इस टाइम हमेशा के लिए मेरे भाई को खो दिया। तो उसी पे, उसको गए हुए कुछ वक्त ही हुआ था, तो उसी पे मैंने ये पोएम लिखी है। लैक ऑफ ह्यूमैनिटी की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया, तो उसी पे है ये पोएम। तो शुरुआत करने से पहले दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। कहाँ ख्वाहिशें बाकी रही, कहाँ ख्वाहिशें बाकी रही, और कुछ जला दी मैंने और कुछ जाती रही। जा चुका है वो, जा चुका है वो, पर फिर भी यकीन नहीं आता। जाने क्यों कोई जाकर वापस लौट कर नहीं आता। जा चुका है वो पर फिर भी यकीन नहीं आता, और जाने क्यों कोई जाकर वापस लौट कर नहीं आता। दुनिया की इन नसीहतों में खुलकर रोया भी नहीं जाता। अब कैसे संभालूं मैं अपने इस बिखरे परिवार को, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जा चुका है वो पर फिर भी यकीन नहीं आता, और जाने क्यों कोई जाकर वापस लौट कर नहीं आता। क्यों, आखिर क्यों इस विधि का विधान बदल नहीं सकता, आखिर क्यों इस विधि का विधान बदल नहीं सकता, और कोई जाकर वापस आ नहीं सकता। ये दर्द की चीखें और ये रोने की किलकियाँ मुझसे अब सहा नहीं जाता। जा चुका है वो पर फिर भी यकीन नहीं आता, और जाने क्यों कोई जाकर वापस लौट कर नहीं आता। शुक्रिया। जानती हूँ जो आया है वो गया है, जानती हूँ जो आया है वो गया है, पर इस दिल को समझाया नहीं जाता। किसी का बेटा चला गया और किसी का भाई, जाने क्यों उस खुदा को इस परिवार की खुशियां रास ना आई, और मुझसे और मुझे दे दी मेरे भाई से कितनी लंबी सी जुदाई। जा चुका है वो पर फिर भी यकीन नहीं आता, जाने क्यों कोई जाकर वापस लौट कर नहीं आता। जीते जी तो कहाँ देती है सुकून ये दुनिया, हाँ जीते जी तो कहाँ सुकून देती है ये दुनिया, पर मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती ये दुनिया। वजह चाहे जो भी रही थी, पर तुम्हें यूं नहीं जाना था, अभी तो तुम्हें मेरे भाई होने का फर्ज भी निभाना था। मेरे सारे के सारे सपने बस यूं ही अधूरे रहे, और तुम चल भी दिए। ऐ खुदा ये सुनकर क्या कलेजा फटा नहीं तेरा। ऐ खुदा अब तुझसे कोई नाता नहीं मेरा। ऐसा नहीं है मैं गॉड को नहीं मानती, बट उस टाइम पे यही लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, मैं कभी भी भगवान पे बिलीव नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा ही मुझे महसूस हुआ तो इस पर लिखा, बट ऐसा अब कुछ नहीं है, मैं करती हूँ बिलीव। एक अनदर पोइम है जो ये भी मैंने भाई के लिए लिखी है, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ में उसका जाना एक ट्रेजेडी से कम बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ भाई नहीं था, एज ए फ्रेंड था, जिससे छोटे से छोटे बड़ी से बड़ी बातें मैंने शेयर की। तो शुरू करती हूँ। चला गया वो दर्द देकर, और कभी न भरने वाला जख्म देकर। चला गया वो दर्द देकर, और कभी न भरने वाला जख्म देकर। सारी दुनिया आई देने को सहानुभूति, पर वो तब भी नहीं आया मरहम लेकर। चला गया वो दर्द देकर, और कभी न भरने वाला जख्म देकर। जख्म के नासूर बनने तक, इस जख्म के नासूर बनने तक करती है ये स्वागत दुनिया नसीहतों का भार देकर। इस जख्म के नासूर बनने तक करती है स्वागत दुनिया नसीहतों का भार देकर। दर्द जो कभी जताया ना जा सका, और यूं खामोश रहा ना जा सका। चला गया वो दर्द देकर, और कभी ना भरने वाला जख्म देकर। रुका नहीं कारवां, रुका नहीं कारवां उस मेरे अपने की अर्थी का। उस पर कुछ भी असर नहीं था हम सबके रोने का। उसकी आंखें तो खुली थी मगर लब खामोश थे, उसकी आंखें तो खुली थी मगर लब खामोश थे। मन में चाह तो थी शायद बोलने की, मगर विधान से हाथ बंधे थे, मगर विधान से हाथ बंधे थे। हाँ कुछ पल सुहाने थे और कुछ पल बुरे भी थे, कुछ पल सुहाने थे और हाँ कुछ पल बुरे भी थे, लेकिन हर एक पल उसके संग मेरे अपने थे। घात तो किया था उस मेरे ने मेरे हृदय पर। ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उस टाइम में बहुत हर्ट हुई, तो मैंने ये लाइन उसी चीज़ के लिए लिखी है कि घात तो किया था उस मेरे ने मेरे हृदय पर।
घात तो किया था उस मेरे ने मेरे हृदय पर, मगर एक वक्त था जब हम एक दूसरे से जुड़े थे। चला गया वो दर्द देकर और कभी न भरने वाला जख्म देकर। सारी दुनिया आई देने को सहानुभूति, पर वो तब भी नहीं आया मरहम लेकर। दिनों के साथ जैसे जैसे दिन जाते, दिनों के साथ सब कुछ यूं ही भुला देना था, पर यकीन मानो तुम्हें हमें यूं छोड़कर नहीं जाना था। आई मिस यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।